This is Channels Television's Breaking News. यमुनानगर में चिट फंड घोटाले का अरबों रुपए लेकर फरार हो चुके भाजपा नेता के पुत्र राजन कालरा का मामला सुर्खियों में आने के बाद आज भाजपा नेता ने मार्केट कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। कालरा 2.25 साल से इस पद पर कार्यरत थे। कालरा ने बताया कि वह निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उनके पुत्र से पैसा लेने वाले अब इनके भी चक्कर काट रहे हैं। मैंने ये अब जो रिजाइन दिया अपने व्यक्तिगत कारण से दिया है, मुझे किसी नाराजगी या किसी वजह से नहीं दिया। मैं सब कुछ भी नहीं है तो पार्टी के आदमी है, पार्टी के साथ हमारे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं। हमने अपने व्यक्तिगत कुछ तबीयत भी ढीली पीली रहती है तो इसलिए दिया। CM साहब ऐसा कोई कारण नहीं, कोई कारण बच्चों को हम तो अपील कर रहे हैं अपना घर आ जाओ, जो भी है देख लेंगे जैसा होगा। लोगों की गाड़ी कमाई का अरबों रुपए लेकर फरार हो जाने के बाद आखिरकार आज भाजपा नेता ने भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भाजपा नेता कालरा इसकी वजह निजी कारण बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अपना पैसा गंवा चुके लोग सोमवार को फाइनेंसर संजीव खुराना व भाजपा नेता ओम प्रकाश कालरा के बेटे के खिलाफ दशहरा ग्राउंड में एकजुट हुए थे। बाद में ओम प्रकाश कालरा के घर पर राजन द्वारा लिए गए पैसे मांगे थे। ओम प्रकाश ने पैसा देने में असमर्थता जताई थी और घर पर 1,80,00,000 रुपए का लोन होने की बात कहकर उन्होंने घर बेचने की बात भी कही थी। विवाद में आने के बाद ओम प्रकाश कालरा ने मंगलवार को मार्केट कमेटी चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की बात कही और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना इस्तीफा भेज दिया। चाहे भाजपा नेता इस इस्तीफे के पीछे निजी कारण बता रहे हैं, लेकिन उनके बेटे का प्रकरण सामने आने के बाद बड़ी किरकिरी हो रही थी और उसी के बीच ये इस्तीफा सामने आया है। मैं तो देखो करता ही नहीं हूँ काम कोई भी, मैं तो फ्री हूँ और अपना घर पे आई है तो दफ्तर चले गए, उसको काम नहीं करता मैं तो वो बच्चे करते थे, उनको क्या गलती हुई है वो घर आएंगे बताएंगे, उसको मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मेरे पास कोई लोग आए हैं, मैंने कहा भाई आएंगे तो जो होगा मेरे को कुछ पता नहीं है। तो बेटा है, एक दामाद है, वो इकट्ठे ही काम करते हैं। नाम क्या उनका? संजय और राजन। कमेटियाँ कुटियाँ आजकल कुछ थोड़ी बहुत डालते थे तो उसी से ही कुछ हुआ होगा। फिर मैं तो कोई इंटरफेयर ही नहीं करता उनके काम में, कभी गया भी नहीं मैं तो वहाँ। इसमें होगा 1.5 डिग्री 1.5 लाख नहीं 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़। अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद क्या उन लोगों का पैसा मिल पाएगा या क्या सरकार कोई संज्ञान लेगी या ये मामला कोई और नया मोड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी लाइफ चैनल, यमुनानगर।